पहचान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक, श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक, संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। बॉलीवुड निर्माता एकता कपूर ने शनिवार को राजस्थान के अजमेर जिले में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में जियारत की। एकता कपूर ने 25 अगस्त को रिलीज होने वाली फिल्म ड्रीम गर्ल 2 की कामयाबी के लिए दुआ मांगी। दरगाह के खादिम सैयद इमरान चिश्ती ने उन्हें जियारत करवाई। बाद में चिश्ती ने एकता कपूर को चुनरी ओढ़ाई और तब्रुक भेंट किया। ड्रीम गर्ल 2 की कामयाबी की दुआ मांगी गई है। मकराना से खबर, जहां राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर व जिले विधिक सेवा प्राधिकरण मेड़ता, माननीय किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायिक और कुमकुम अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति एडी मकराना के निर्देशानुसार विधिक सेवा समिति के पैनल अधिवक्ता तलत हुसैन हनीफी मकराना ने नवचेतना लाइफ स्किल एंड ड्रग एजुकेशन के तहत पर्यावरण जन चेतना के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नंबर 1 में जागरूकता शिविर आयोजित किया। पिंडवाड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने नव पद स्थापित अधिकारियों का बहुमान किया। भारतीय जनता पार्टी पिंडवाड़ा द्वारा नव पद स्थापित उपखंड अधिकारी व थानाधिकारी का शाल व साफा पहनाकर बहुमान करते हुए शुभकामनाएं दी। जानकारी के अनुसार हाल ही दिनों में प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत उपखंड अधिकारी रवि प्रकाश व थानाधिकारी सीताराम पवार ने कार्यभार ग्रहण किया है। भाजपा पिंडवाड़ा मंडल के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं ने विधायक समाराम गरासिया, नवमतदाता जिला संयोजक जसवंत कुमार व चौहान, भाजपा मंडल अध्यक्ष महावीर यति के नेतृत्व में साफा में फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। बिशनगढ़ के निकटवर्ती तिकी गांव में 102 महिलाओं ने समंदर हिलोरने की रस्में में भाई ने बहन को चुनरी उड़ाई व रक्षा का वचन दिया। परंपरा का हुआ निर्वाह। वहीं तिकी गांव में समंदर हिलोरने में 102 महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधान में सजी संवरी पहने सर पर धारण कर बिरंगे रंग बिरंगे मटके बजता ढोल व डीजे बजाने व मारवाड़ी गीत गाती महिलाएं व इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल भाई और परिजन। कुछ ऐसा ही नजारा तिकी गांव में मुख्य तालाब पर देखने को मिला। बस्ती से खबर, जहां भूखंड क्षेत्र में तो आए दिन अनेक कीर्तन व भजन होते हैं, पर शुक्रवार देर रात तक चले ग्राम पंचायत कचौलिया की किशनपुरा में भव्य श्याम भजनों का आयोजन हुआ। श्री श्याम बाबा की भव्य फूल बंगला झांकी से जाकर दीप प्रज्वलित कर कीर्तन का शुभारंभ किया गया। जोधपुर से खबर, जहां राजस्थान भाजपा चुनाव प्रभारी कुलदीप बिश्नोई आज जोधपुर पहुंचे। जोधपुर एयरपोर्ट पर कुलदीप बिश्नोई का भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता नेताओं व बिश्नोई समाज के लोगों ने भव्य स्वागत किया। कुलदीप बिश्नोई चुनाव प्रभारी बनने के बाद पहली बार जोधपुर पहुंचे हैं। सिरोही में भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्य समिति की बैठक शनिवार को विजय पताका मंदिर में हुई। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर पर दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण कर की गई। बैठक में आगामी होने वाले कार्यक्रम के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की। बैठक में जनप्रतिनिधि, जिला पदाधिकारियों के साथ मोर्चे और मंडल के पदाधिकारियों ने बूथों के सशक्तिकरण का संकल्प भी लिया। शर्मसार हो गया और देश में जो स्थिति राजस्थान की बिगड़ी है और जिस है दृष्टि से देखने लगे हैं, क्योंकि नित्य प्रतिदिन की घटनाओं ने हमको भी इतना शर्मसार किया है कि ऐसा लगता है कि गहलोत जी जाते जाते जितने झूठ मिथ्या भ्रम और रेवड़ियां बांट रहे हैं वो बांट रहे हैं जो कि जमीनी हकीकत में कहीं भी नहीं है। इसलिए कांग्रेस की जो विधेयक है पर हम चाहते हैं कि दोनों 200 ही सीट पर इनकी विधेय हो और पार्टी आज तक के जिस जिस सीट पर जीते मत से जीती है उससे भी ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीती। आज हमने भाजपा जिला संगठन की भी बैठक ली है, यहाँ की तीनों सीटों के बारे में आप क्या कहेंगे? 100% तीनों सीट जीतेंगे, 100% और तीनों सीट में रिकॉर्ड तोड़ वोटर। और भारतीय जनता पार्टी में भी जिला संगठन में सिरोही विधानसभा क्षेत्र तो भाजपा के पास नहीं है और यहाँ पर भी भीतरघात के स्वर बहुत सुनाई देते हैं। जिला अध्यक्ष को भी बदलने की मांग करते हैं,
इस डैमेज कंट्रोल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा? ऐसा है कि संगठन का निर्णय सर्वोपरि पर ये होता है, व्यक्ति कोई भी प्रमुख नहीं है, जो संगठन निर्णय करता है। सिवाना से खबर, जहां बालोतरा रमणिया कस्बे के राजपुरोहित समाज भवन में नारी शक्ति महिला मंडल की ओर से लहरिया उत्सव आयोजित किया। इसमें महिलाओं ने उत्साह के साथ भागीदारी निभाई। आयोजिका जिया सिंह ने बताया कि कार्यक्रम में लहरिया आधारित नृत्य, गरबा आदि प्रतियोगिताएं हुई। हम ग्रामीण लहरिया कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, क्या है? ये है कि ये श्रावण मास के जो लहरिया फंक्शन होता है और ये गांव-गांव में होना चाहिए और ये रमणिया गांव में फर्स्ट बार हो रहा है। और इसमें क्या है कि लेडीज सब जुड़ होके डांस प्रोग्राम ये सब लहरिया में होता है, घूमर वगैरह जो भी डांस ऐसा अलग अलग हम नृत्य करते हैं। और ये लहरिया में ज़्यादातर लेडीजों का एक मिलन होता है, दूर दूर से जब लेडीज भी बैठी होती है तो वो इस लहरिया फंक्शन में भाग लेने के लिए हम सबको ऐसे आमंत्रण बोले तो देते हैं, तो वो आते हैं और इसमें सब भाग लेते हैं और सब लहरिया फंक्शन ऐसे घूमर वगैरह भी नृत्य होता है। ये मतलब हर रोज हर साल होता रहेगा या फिर इसी साल? ये हम कोशिश करते हैं कि हर साल होता रहे। झलवाड़ से खबर, जहां जिले के चौमेला कस्बे में स्कूल शिक्षा परिवार ब्लॉक डक की हुई बैठक संपन्न, जिसमें आगामी जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर चर्चा की। बैठक में स्कूल शिक्षा परिवार झलवाड़ चुनाव प्रभारी डॉक्टर अशरफ बेग, पूर्व जिला अध्यक्ष देवेंद्र गुजर, पूर्व जिला प्रभारी अरुण राठौड़ उपस्थित रहे। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान। अलवर से लेकर जैसलमेर तक श्री गंगा